ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर नहीं, कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का पहला घर है। सुधारो मतलब उसको, हर इंद्रियों को शासन प्रमाण चलाओ। क्या हमारे घर में रहने वाले ज्ञान में चलते, सभी चलते? आप सभी के ज्ञान में, कान ज्ञान में है, मुख ज्ञान में है, आंखें ज्ञान में चलती है। अगर मुख ज्ञान में चलता है तो मुख पर चिंतन क्यों करता है? अगर आंखें ज्ञान में चलती हैं तो योग लगाते समय आंखें बंद क्यों होती हैं? अगर ज्ञान में चलती तो बाबा को देखती रहती। इसलिए आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है, हम दूसरों को देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या करती है, वो क्या हो रहा है, अपने घर में क्या हो रहा है उसको नहीं देख रहे हैं। इसलिए अपने घर को देखो, इससे परिवर्तन आएगा। सो परिवर्तन करना मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये हो गया ऊपर का परिवर्तन। अंदर का परिवर्तन करो। अंदर का परिवर्तन अर्थात हर इंद्रियों को ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण चलाना, ये है सो परिवर्तन। लेकिन आज ब्राह्मणों का इसके तरफ ध्यान कम है। ब्रह्मा बाबा नारायण बने, बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने नारायण बनने के लिए अपने इंद्रियों का रोज दरबार लगाया। लेकिन हम लगाते दरबार, जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहे हैं, किसके संग में जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसको देखने का भी टाइम नहीं मम्मी पापा को। और जब बच्चा गलत काम करता उनकी आंखें खुल जाती हैं, ये बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज ब्राह्मणों को अपने आप खुद को देखने का टाइम ही नहीं है। मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा मुख क्या बोल रहे हैं, मेरा मन क्या सोच रहा है, बुद्धि क्या देख रहे हैं, और इसको देखने का टाइम नहीं है। और जब हमारे से गलत काम होता है तब हमारे आंखें खुल जाते हैं, हमने गलत काम। यह है परिवर्तन, और इसी परिवर्तन से हम विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। स्वयं को बदलो, जो स्वयं को बदलता है वो बाबा कहता है, तुम दूसरों को बदलने का ठेका नहीं, बदलो। और अपने को बदलना मतलब अपने हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना, यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति।